नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म 2021 के दिसंबर माह में रिलीज फिल्म अखंडा, जो कि 120 करोड़ रुपए का कलेक्शन उस फिल्म ने किया था। और दोस्तों, उस फिल्म को अब जाकर के 2023 में 20 जनवरी को हिंदी में रिलीज किया गया है। दोस्तों, इसके बावजूद फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि प्रथम 3 दिनों में फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हालांकि फिल्म को स्क्रीन ज्यादा नहीं दिए गए हैं, जिस कारण से फिल्म का कलेक्शन इतना कम आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म जितना कलेक्शन आ रहा है उससे कहीं ज्यादा कलेक्शन हासिल करने के योग्य है, क्योंकि बहुत ही फैंटास्टिक फिल्म है। विशेषकर इसकी स्टोरी है और जो इसके विजुअल्स है वो माइंड ब्लोइंग है। बीजीएम बहुत ही सुपर्ब, एकदम मजेदार, इसका मतलब एक दिल में एक सुकून सा पैदा करने वाले इसके विजुअल्स है। एक अलग ही दुनिया में आप पहुंच जाते हैं। नंदामुरी बालाकृष्ण की क्या लाजवाब एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, प्रथम 3 दिनों का इसका कलेक्शन ठीक ठाक रहा है। कल संडे को इसका कलेक्शन काफी अच्छा आया है। जो भी रिपोर्ट मेरे सामने आ रही है उसके अनुसार करीब 50-60 लाख रुपए का कलेक्शन फिल्म ने कल किया है। तो शुरुआती 3 दिनों का कलेक्शन करीब 1 करोड़ 60 लाख के आसपास इसका प्रिडिक्शन आया है। कंप्लीटली एक्यूरेट डाटा अभी कोई जारी नहीं कर रहे हैं इसके, जो न तो डायरेक्टर की तरफ से, प्रोड्यूसर की तरफ से इसके एक्यूरेट डाटा जारी किए गए हैं, न ही दोस्तों कोई बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है उनके द्वारा इसके एक्चुअल डाटा जारी किए गए हैं। लेकिन ये जरूर आया था कि शुरुआती 2 दिनों में इसका कलेक्शन करीब 1 करोड़ 30 लाख के करीब रहा था और कल भी इसका कलेक्शन 50-60 लाख रुपए के करीब रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अगर इसको कलेक्शन को ऐड कर दिया जाए तो कम से कम 1 करोड़ 60 लाख से 1 करोड़ 80 लाख के बिटवीन इसका कलेक्शन कहीं पर हो जाता है प्रथम 3 दिनों के अंदर। तो ये ठीक कहा जा सकता है, इस सेंस में ठीक कहा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में काफी लेट रिलीज किया गया है। आप जानते हैं कि 2021 में रिलीज फिल्म, दिसंबर 2021 में रिलीज फिल्म को 2023 में जाकर के हिंदी में डब करके रिलीज किया जाता है, तो इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि लोग इस फिल्म को देख चुके हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्म आ चुकी है, यूट्यूब पर फिल्म अवेलेबल है, तो उसका फर्क पड़ता है। इसी कारण से कलेक्शन इतने कम रहे। अदरवाइज इस फिल्म के कलेक्शन अगर इसको उसी समय रिलीज कर दिया जाता, 1-2 महीने के बाद में डब करके रिलीज कर दिया जाता, जिस प्रकार से कांतारा को रिलीज किया गया था, कार्तिकेय 2 को रिलीज किया गया था, तो ये फिल्म बहुत बड़ा मतलब कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर हासिल करने में कामयाब रहती हिंदी ऑडियंस के लिए। अब चूंकि दोस्तों कल संडे था, तो कल फिल्म के कई जगह थिएटर हाउसफुल देखे गए हैं। मुंबई में कई शोज हाउसफुल देखे गए हैं, कई जगह बहुत अच्छी थिएटर ऑक्यूपेंसी थी इस फिल्म की। तो दोस्तों, अब तो पठान आ रही है 25 तारीख को, तो काफी ज्यादा स्क्रीन वो ले लेगी, काफी ज्यादा शोज पठान के पास है मुंबई में और बाकी जगह भी। तो अखंडा फिल्म के पास ज्यादा उम्मीदें है नहीं कि ज्यादा कलेक्शन ये फिल्म कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पर। बस मेकर से यही गलती हो गई है, सबसे बड़ी गलती यही हो गई है कि फिल्म को जिस समय तेलुगु में बनाया गया था और जिस प्रकार से ये माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस कर रही थी, उसके तुरंत बाद अगर इस फिल्म को रिलीज कर देते हिंदी ऑडियंस के लिए, तो दोस्तों मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इस फिल्म का कलेक्शन भी कंतारा से कम नहीं आता, ये डेफिनेटली, क्योंकि फिल्म बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम, जय शिव शंकर।